अनियंत्रित हाईवा के चपेट में आने से बुलेट पर सवार दो लोग घायल, स्थिति गंभीर, इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर। रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर मुरली चौक के समीप एक अनियंत्रित हाईवा के चपेट में आने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों का प्राथमिक इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में करवाया गया। अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सकों ने दोनों घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया है। घायल रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी 45 वर्षीय मंटू यादव और 48 वर्षीय रविंद्र कुमार शर्मा हैं। जानकारी मिली है कि दोनों बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुर्सेला की तरफ जा रहे थे। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही एक अनियंत्रित हाईवा के चपेट में आ गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। इधर रंगरा पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है, जबकि मौके से हाईवा चालक भागने में सफल रहा। मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रंगरा आधार पंजीयन केंद्र पर उमड़ी भीड़, किसी ने नहीं पहना था मास्क, नहीं हो रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। रंगरा स्थित आधार पंजीयन केंद्र पर सोमवार को बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान ना तो कोई मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था। आधार केंद्र पर आए लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि कोई 4 दिन से तो कोई 3 दिन से रोज अपना काम करवाने के लिए आधार पंजीयन केंद्र पर आ रहे हैं, लेकिन अत्यधिक भीड़ की वजह से रोज मायूस होकर लौट जा रहे हैं। इधर आधार पंजीयन केंद्र के कर्मी ने बताया कि केंद्र की क्षमता से 10 गुना अधिक कार्य आ जाता है, इसलिए केंद्र पर अत्यधिक भीड़ जमा हो जाती है। रंगरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही वे मामले में हस्तक्षेप कर व्यवस्था को दुरुस्त बनाने का काम करेंगे। 126 लोगों का कोरोना चेक, सभी नेगेटिव। रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को रैपिड एंटीजन किट से कुल 126 लोगों का कोरोना चेक किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सबों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि रंगरा PHC में रोज कोरोना चेक किया जाता है, कोई भी व्यक्ति PHC आकर आसानी से कोरोना चेक करवा सकता है। संगीन मामले में रंगरा पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार, एक को बेल, दूसरे को जेल। रंगरा पुलिस ने दो अलग अलग संगीन मामले में दो फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए भवानीपुर निवासी शिव कुमार यादव को रंगरा थाने में ही जमानत दे दी गई है, तो दूसरी तरफ भवानीपुर के ही कन्हैया यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महताब खान ने बताया कि कन्हैया के विरुद्ध न्यायालय से रेड वारंट निर्गत था।